में बहुत अच्छा एनडीए का प्रदर्शन होगा और राष्ट्रीय लोकदल से लेकर तमाम और भी जो दल एनडीए गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं सभी का स्वागत है, सबको आना चाहिए। मोदी जी की सरकार देश के लिए बेहतरीन काम कर रही है और मुझे लगता है हम सभी साथ आकर जो हमने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है उसको मिलकर हम सब अपनी सामूहिक ताकत से पूरा कर सकते हैं। आज देश की जनता हमारे इस गठबंधन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास रखती है और इसलिए 2024 में एनडीए गठबंधन फिर से हैट्रिक लगाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अपना दल सोनेलाल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा कि इस बार 2024 में एनडीए गठबंधन हैट्रिक लगाएगा। साथ ही इंडिया गठबंधन के बारे में कहते नजर आई कि इसमें जितने दल शामिल हैं वो सारे दल हताश हैं, वो लंबे समय से सत्ता से दूर हैं, उसी व्याकुलता के चलते सारे दल इकट्ठा हुए हैं। जहाँ तक अपना दल का विषय है, आज हम 2014 से निरंतर एनडीए के घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जितने भी चुनाव हमने साथ मिलकर अभी तक लड़े हर चुनाव में अप्रत्याशित सफलता भी हासिल हुई है। जहां तक 2024 के आगामी चुनाव का प्रश्न है, मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज उसमें जितने भी दल शामिल हैं उन सारे दलों को आज बहुत ही ज्यादा हताशा है, उनके अंदर बहुत व्याकुलता है क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और इसलिए सत्ता में आने की वापस आने की जो व्याकुलता है उसके चलते ये सारे दल एकजुट हुए हैं, लेकिन जनता का विश्वास ये सभी खो चुके हैं और इसीलिए चुनाव दर चुनाव जनता इन्हें लगातार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है। हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार के जो कार्य रहे इन 9 वर्षों में, चाहे गरीब कल्याण के हों, चाहे देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, या चाहे दुनिया में आज जिस तरीके से भारत की छवि में एक इजाफा हुआ है, ये सारे विषयों को लेकर आज देश की जनता हमारे इस गठबंधन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास रखती है और इसलिए 2024 में एनडीए गठबंधन फिर से हैट्रिक लगाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और मैं ये समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अन्य राज्यों में भी अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा बेहतरीन स्थिति उत्तर प्रदेश में ही है और हमारे गठबंधन को यहाँ पूरी तरीके से जनता का भरपूर समर्थन पिछले 4 चुनाव में मिलता आया है और 2024 का ये चुनाव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 2014 से भी बेहतरीन प्रदर्शन हमारा होने जा रहा है। हम तो चाहेंगे हमारा एनडीए का जो कुनबा है और बढ़ता जाए। ओम प्रकाश राजभर जी पुराने साथी हैं, उनके दल की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है और हमने देखा भी था 2017 में हम साथ मिलकर लड़े थे, बहुत बेहतरीन इस गठबंधन के नतीजे आए थे, पुनः वो हमारे साथ आए हैं। 2024 में बहुत अच्छा एनडीए का प्रदर्शन होगा और राष्ट्रीय लोकदल से लेकर तमाम और भी जो दल एनडीए गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं सभी का स्वागत है, सबको आना चाहिए। मोदी जी की सरकार देश के लिए बेहतरीन काम कर रही है और मुझे लगता है हम सभी साथ आकर जो हमने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है उसको मिलकर हम सब अपनी सामूहिक ताकत से पूरा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी, देखिए पिछले कई चुनाव में लगातार, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, अस्वीकार कर दिया है, उन्हें सत्ता से हर बार बाहर का रास्ता दिखाया है और 2024 में भी मैंने फिर कहा कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश, कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी का और कांग्रेस का कहना है कि जो इंडिया बनी है वो एनडीए पे भारी पड़ेगी चुनाव में। देखिए, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो मुझे लगता है मैंने पहले ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें तमाम दल जो शामिल है इंडिया गठबंधन में लंबे समय से एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लगातार सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं और देश की जनता ने पूरी तरीके से इन्हें नकार दिया है, तो अब ये एक सर्वाइवल का एक प्रश्न इन सारे दलों के सामने खड़ा हुआ है, जिंदा रहने का, राजनीति में बने रहने का और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस प्राप्त करने का एक प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है कि एक विफल प्रयास है, देश की जनता उन्हें नकार चुकी है और इसलिए इंडिया गठबंधन का 2024 में कोई भविष्य नहीं है। एक आखिरी सवाल यह है कि अजय राय को पूर्वांचल से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि राहुल गांधी दोबारा अमेठी आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के अमेठी आने से? देखिए, ऐसा है, उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है,
जहां से भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ना चाहें वो आए। उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी अगर एनडीए गठबंधन के सामने आता है तो किसी भी सीट पर वो परास्त होगा। प्रियंका जी को भी रायबरेली से लड़ाने की बात हो रही है कि सोनिया जी नहीं लड़ेंगी, प्रियंका के आने पे? ये उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, लोकतंत्र में सभी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और हम तो कहते हैं सबको चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच में किसकी कितनी राजनीतिक जमीन है, किसकी कितनी पकड़ है, जनता से किसका कितना कनेक्ट है और जनता का कितना विश्वास है, इसको हम सबको टेस्ट करते रहना चाहिए। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोक दल को भी एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल को भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। बहरहाल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने अपने जिद्दी वाले बयान से साफ कर दिया है कि उन्होंने मन बना लिया है और अब वो मन बदलने वाले नहीं है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।